सोनिया गांधी के श्रमिक मजदूरों की घर वापसी का खर्च कांग्रेस द्वारा उठाए जाने की घोषणा के बाद राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पुनिया ने सोनिया गांधी के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में कांग्रेस ही झूठ फैला रही है। सोनिया गांधी के फैसले के तुरंत बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि प्रवासी मजदूरों के आवागमन का पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी। वहीं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा, सोनिया गांधी जी का फैसला स्वागत योग्य है। आगे किसने क्या क्या कहा, जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को मजदूरों की घर वापसी का खर्च कांग्रेस द्वारा उठाए जाने की घोषणा करते हुए एक प्रेस रिलीज जारी की है। सोनिया गांधी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को निर्देश देते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी, वह इस बारे में जरूरी कदम उठाएगी। सोनिया गांधी के फैसले के तुरंत बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों के साथ जारी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में ही ऐलान किया कि प्रवासी मजदूरों के आवागमन का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। सोनिया गांधी की घोषणा के बाद राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इसे सोनिया राहुल गांधी का कोरा झूठ बताते हुए लोगों से कांग्रेस के फैलाए इस भ्रम में न आने की बात कही। सोनिया गांधी के बयान के बाद जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसला लेते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के निर्देश पर हमने फैसला किया कि राजस्थान से अन्य राज्यों में भेजे जाने वाले प्रवासी श्रमिकों के किराए का भुगतान रेलवे को राज्य सरकार करेगी। वहीं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा, सोनिया गांधी जी का फैसला स्वागत योग्य है, श्रमिकों को मुश्किल और चुनौतीपूर्ण समय में हम पूरी सहायता करने के लिए तैयार है। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि रेल से लाए जाने वाले प्रवासियों से केंद्र सरकार द्वारा किराया लेने के संबंधी सोनिया गांधी का बयान अति निंदनीय और झूठा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के रेल से लाए जाने वाले प्रवासियों से किराया लेने के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में भी कांग्रेस ही झूठ फैला रही है। पुनिया ने रेलवे द्वारा जारी निर्देश पत्र का हवाला देते हुए कहा कि रेलवे ने पहले ही दिन कह दिया था कि लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए यात्रा के खर्च में रेलवे 85% की रियायत देगा, बाकी 15% राज्य सरकार वहन करेगी। सतीश पुनिया ने कहा कि जब सब कुछ स्पष्ट है तो फिर सोनिया राहुल दानदाताओं के सहयोग से कांग्रेस द्वारा किसका खर्च उठाने की बात कर रहे हैं, ये कोरा झूठा है और प्रवासियों को कांग्रेस के फैलाए भ्रम में नहीं आना चाहिए। संकट के इस समय इस तरह की अनगल बात करने के बजाय ज्यादा अच्छा हो सोनिया गांधी राज्य की गहलोत सरकार को कहे कि वो अपने हिस्से का 15% भुगतान करे और यह भी सुनिश्चित करे कि उनकी पार्टी द्वारा शासित राज्यों में आने वाले प्रवासियों को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने श्रमिकों के किराए को लेकर कहा कि इस देश को मजबूत बनाने के लिए हमारे श्रमिक दिन रात मेहनत करते हैं। आज लॉकडाउन के तहत वो पिछले 40 दिनों से अपने घर से दूर अलग अलग राज्यों में भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। अंत में जाकर उनको अपने घर वापस आने की परमिशन मिली है, वो रेलों से वापस आ रहे हैं, उसका किराया भी श्रमिकों से वसूला जाए यह अशोभनीय है, इसकी हम निंदा करते हैं। श्रमिकों की घर वापसी का पूरा किराया केंद्र सरकार को वहन करना चाहिए। पायलट ने आगे कहा कि जब विदेशों से चार्टर्ड प्लेन करके हम लोगों को वापस ला सकते हैं तो यह गरीब मजदूर जो फंसे हुए हैं उनको वापस लाने का खर्च केंद्र सरकार को वहन करना चाहिए। पायलट ने आगे कहा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के फैसले का स्वागत करता हूँ। सोनिया गांधी ने आज जो फैसला लिया है, केंद्र सरकार यदि श्रमिकों का खर्च वहन नहीं करेगी तो कांग्रेस पार्टी उनका पूरा किराया वहन करेगी। हम इस मुश्किल घड़ी में इन गरीब लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते। सोनिया गांधी जी का फैसला स्वागत योग्य है, श्रमिकों को इस मुश्किल और चुनौतीपूर्ण समय में हम पूरी सहायता करने के लिए तैयार हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।